जोधपुर में सिलेंडर हादसे में जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके जख्म तो शायद ही कभी भरे, लेकिन इस बीच अब सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों और घायलों के लिए तिजोरी खोल दी है और साथ ही नौकरी का भी ऐलान किया है। इस मामले में जोधपुर में राजपूत समाज सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में था, लेकिन देर रात सीएम से बातचीत के बाद सहमति बन गई और अब देर रात धरना खत्म कर दिया गया। अब मोर्चरी में रखे 9 शवों को एक साथ पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल समाज से जुड़े लोग और परिवार के बीच लोगों ने पिछले 3 दिनों से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वे लोग 50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार से अब सहमति बन गई है। सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को सीएम पीएम और अन्य फंड मिलाकर 17 लाख रुपए देने की घोषणा की है और साथ ही संविदा पर नौकरी देने की पेशकश की है। इसके बाद अब परिजनों और समाज के लोगों ने धरना खत्म कर दिया है। 35 मृतकों के लिए सरकार 5,95,00,000 रुपए देने की तैयारी कर रही है। बता दें कि जोधपुर के शेरगढ़ से भूंगरा गांव में 8 दिसंबर को सगत सिंह के बेटे सुरेंद्र सिंह की बारात रवाना हो रही थी। उस दौरान सिलेंडर फटे और उनमें लगभग 35 लोगों की जलने से मौत हो चुकी है। इनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं। वर्तमान में जोधपुर के अस्पतालों में 15 लोग भर्ती हैं, जिनमें से कईयों की हालत गंभीर है। उधर अब तक करीबन 10 लोगों को छुट्टी दी जा चुकी है। रिपोर्ट सच कहूं।